हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो हम फिर से खेल रहे हैं अपना जी टी ए फाइव। जैसा कि सबको लास्ट वाली वीडियो में पता होगा कि जो माइकल है वो आइसलैंड में टेरिस्ट को देखने के लिए गया था, जो कि जो आइसलैंड था वो कि डेव का था, आप लोगों को तो पता ही होगा। और डेव जो है वहाँ पे इलीगल काम करता था और इलीगल वेपन्स रखता था, तो इसीलिए जो टेरिस्ट थे उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया है और जो वहाँ पे गोल्ड और जितना पैसा था वो अपने कब्जे में कर लिया है। तो इसीलिए जो डेव था हमसे मदद मांगने के लिए लास्ट टाइम आया था, तो हमने जो है उसकी मदद करने के लिए जिसके आइसलैंड पे हमने ड्रोन की मदद से पूरा का पूरा जो स्कैम था कर लिया था कि कितने बंदे हैं और कितने टेररिस्ट हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग बहुत ही कम हैं, तो इसीलिए हम किसी गैंग को हायर करेंगे या फिर हम या फ्रैंकलिन सिर्फ अटैक करेंगे। तो इसीलिए हम चल रहे हैं अपने शोरूम में अपनी गाड़ी को भगाते हुए। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, और डेव भी वहाँ पे आ चुका होगा और फ्रैंकलिन से हमारी बात हो गई है तो वो भी वहाँ पहुँचता ही होगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपने गाड़ी को भगाते हुए। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी भगाते हुए अपने शोरूम में, और चलते हैं अपने शोरूम में और देखते हैं कि फ्रैंकलिन और डेव आए हैं या नहीं आए। तो ट्रेवर तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गई, क्योंकि जो प्लान है वो ट्रेवर ही बना रहा है और ट्रेवर ऑलमोस्ट यहाँ पे रहता ही है। तो देख लेते हैं कि वो अभी पहुँचे या नहीं पहुँचे। गाड़ी तो उनकी दिख नहीं रही है, ना कि डेव की गाड़ी दिख रही है। हो सकता है कि कोई दूसरी गाड़ी डेव लेके आया हो, क्योंकि जो काम है वो बहुत ही इल्लीगल है, तो इसलिए हो सकता है वो दूसरी गाड़ी लेके आया हो। वे तो हम पहले ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि वो डेव, माइकल और फ्रैंकलिन है वो अभी आए हैं या नहीं आए हैं। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, तो फ्रैंकलिन गाइस आ चुका है और डेव और लेस्टर भी आ चुके हैं। ओके, तो फ्रैंकलिन भाई पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। ओके, तो फ्रैंकलिन है वो यहाँ पे कर रहा है अपना योगा। तो पता नहीं भाई फ्रैंकलिन कब से योगा करने लगा। हो सकता है कि माइकल का संगत का थोड़ा असर पड़ गया हो फ्रैंकलिन के ऊपर, क्योंकि जो फिट सबसे ज़्यादा माइकल ही फिट रहता है और ऑलमोस्ट थोड़ा भी बहुत योगा भी करने लगा है। तो यहाँ पे जो लेस्टर है वो अपना गाइस प्लान बना रहा है और डेव पता नहीं उसके साथ क्या डिसीजन कर रहा है। तो अभी हम करने वाले हैं इन लोगों से बात और लेस्टर से पूछ के देखते हैं कि वो उसने क्या प्लान बनाया है। तो जल्दी जल्दी करते हैं इससे बात। ओके गाइस, तो अभी हमारी लेस्टर से बात हो चुकी है और जो लेस्टर ने गाइस प्लान बताया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित भी है। तो लेस्टर ने गाइस प्लान ये बनाया है कि जो हम कॉम्बैट ड्रोन लेके आए थे, जो कॉम्बैट ड्रोन 166 था जिस पे इंस्टॉल वेपन्स भी थी, तो उससे हम अटैक करेंगे टेररिस्ट आइसलैंड पे और जो वहाँ के टेररिस्ट होंगे उनको ख़त्म कर देंगे। अगर बाई चांस फ्रैंकलिन की मदद करने की जरूरत पड़ती है तो हम फ्रैंकलिन को फ़ोन करके बुला लेंगे और माइकल फ्रैंकलिन उन टेररिस्ट को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारे लेस्टर का प्लान है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लान है, क्योंकि जो कॉम्बैट ड्रोन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हम उस कॉम्बैट ड्रोन का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम अपने फ्रैंकलिन को बुला लेते हैं और जल्दी से जल्दी चलते हैं उस साइड पे जहाँ पे हमने ड्रोन खड़ा किया था और फिर अटैक करेंगे अपने आइसलैंड पे गाइस। ओके गाइस, तो हमारा फ्रैंकलिन तैयार हो चुका है चलने के लिए। तो जो गाइस एक बड़ी बहुत ही हमसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब फ्रैंकलिन का बर्थडे था तो हम उसके लिए कोई कुछ खास कर नहीं पाए, तो इसीलिए जो हमारी गोल्डन कार्ड थी हमें उसे पेश करनी थी, उसे देनी थी, वो भी हम दे नहीं पाए हैं। तो इसीलिए जो हम छोटी मोटी पार्टी रख लेंगे जब हम इस मिशन को कम्प्लीट कर लेंगे, तो उसकी जो गाड़ी है गाइस वो पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है और मैंने इन्हें पूरी की पूरी मॉडिफाई कर दिया, और जो GPS था वो ऑलमोस्ट उसने लास्ट टाइम हटा दिया था, और जो नंबर प्लेट थी वो भी हमने फ्रैंकलिन के नाम की लगवा दिया है। तो अभी फ्रैंकलिन को हम इधर से लेके नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि वो देख ले, लेकिन उसे नंबर प्लेट के बारे में, गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हो नहीं सकता कि वो पता चल जाए उसे कि ये गाड़ी है जो उसके लिए है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं उस ड्रोन की साइड पर और देखते हैं जो ड्रोन है वो क्या कर सकता है और टेररिस्ट को वो कैसे ख़त्म कर सकता है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपने गाड़ी में बैठ के।
के भाई फ्रैंकलिन पीछे आता ही होगा। फ्रैंकलिन भाई तू कहाँ रह गया? ओके गाइस, तो फ्रैंकलिन गाड़ी में बैठ गया आके। पता नहीं भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ वो घूम रहा था। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपनी गाड़ी को भगाते हुए अपनी उस साइड पे जहाँ पे हमें लास्ट टाइम ड्रोन खड़ा किया था, और जो डेव का पार्किंग एरिया था जो कि वो यूज़ करता है। तो उसको पहले हम लोकेशन पे मार्क कर लेते हैं कि वो कौन सा एरिया था। ओके गाइस, तो अभी हमने जो एरिया था वो मार्क कर लिया है ऑलरेडी। तो देखते हैं कि कितनी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो भी जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, और हमें जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँच के काम करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो अभी फाइनली आ चुके हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे अपना ड्रोन खड़ा किया था। तो देख लेते हैं कि हमारा ड्रोन अपने सही सलामत है या नहीं है। जब तो सही सलामत होगा, क्योंकि डेव ने पहले कह रखा था कि इस ड्रोन को कोई भी नहीं उड़ा पा सकता तुम्हारे बिना। तो भाई यहाँ पे जानवर वगैरह सारे के सारे घूम रहे हैं। तो गाइस, हमारा ड्रोन यहाँ पे सही सलामत खड़ा हुआ है, और ओके गाइस, तो अभी हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हम फ्रैंकलिन को दिखा देंगे कि उसे कौन सी सबमरीन में हमारे साथ हम जब बुलाएंगे उसे आना है। तो गाइस, सबमरीन है, आप लोग पहले से जानते होंगे कि वो कौन सी सबमरीन की मैं बात कर रहा हूँ। गाइस, जो ये सबमरीन है वो हमने चलाई थी एक मिशन के लिए, और ये चाइनी सबमरीन है जो कि अंडर वाटर नीचे किसी भी वेपन्स को ला सकती है। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जो वेपन्स होंगे वो हम इसमें, अगर डेव बोलेगा तो हम इसमें ले आएंगे, अगर वो नहीं बोलेगा तो ये फ्रैंकलिन के लिए इसलिए पावरफुल है क्योंकि फ्रैंकलिन कोई देख नहीं पाएगा, और फ्रैंकलिन आराम से वहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आ सकता है। Thank God you stopped. Were you a fan of Frank Mathers? Frank Mathers, the TV guy who used to do the shows about space until he became obsessed with undersea exploration? No, not a huge fan. Frank was my husband. By not a huge fan, I mean not a huge fan as much as a fanatic. He was a cruel and heartless man. Well, like I said, I was not a huge fan. Okay, so pata nahi ye lady kaun hai. Didn't he leave his sick wife and five kids to run off with you? We loved each other. I'm sure he did. And I'm penniless now, what more or less. Well, Frank's submarine broke apart while he was trying to save the San Andreas white shark. But his body was never found. You know. Okay, guys, ये फ्रैंकलिन की वाइफ है। तो ये पता नहीं भाई फ्रैंक। Okay, guys, जो आपने अभी लेडी देखी थी वो गाइस फ्रैंकलिन की वाइफ थी। तो वो हमसे बोलने आई थी कि फ्रैंकलिन को कुछ हो ना जाए, इसलिए उसे थोड़ा उसका ध्यान रखना। तो अभी वो जा चुकी है, बस इतना कहने के लिए आई थी। तो भाई फ्रैंकलिन पता नहीं उसके साथ बात कर रहा होगा। तो फ्रैंकलिन यहाँ पे खड़ा हुआ है। पता नहीं गाइस फ्रैंकलिन और इन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। तो पहले तो माइकल को पता ही नहीं था कि फ्रैंकलिन की कोई वाइफ ही है, लेकिन आज उसको ये भी पता चल चुका है कि फ्रैंकलिन की एक फैमिली भी है, और उस फैमिली में उसकी वाइफ भी है। ओके गाइस, तो हमने अभी फ्रैंकलिन को उस पर सारा का सारा चीज़ समझा दी है कि जब हम उसे इशारा करेंगे, जब आप उसे कॉल करेंगे, तब वो अपनी सबमरीन को लेके आ जाएगा हमारे पास, और वो अटैक करने लगेगा टेररिस्ट पे। अगर हम उसको नहीं करते तब भी वो उसे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल्ड वगैरह वहाँ से निकालना पड़ेगा, और वो अकेले माइकल नहीं कर सकता। तो इसीलिए फ्रैंकलिन की जरूरत तब भी पड़ने वाली है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपने ड्रोन में बैठ कर उन लोगों को ख़त्म करने के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली हम बैठ चुके हैं अपने ड्रोन में, और जल्दी जल्दी चलते हैं उन लोगों पे अटैक करने के लिए।
ओके खाइस पता नहीं कहाँ से कोई गोलियाँ मार रहा है क्योंकि एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई गोलियाँ मार कहाँ से रहे ये लोग गोलियाँ तो आई थिंक दिख नहीं रही है ओके गाइस तो उन लोगों को शायद आई थिंक पता चल चुका है कि हम अटैक करने के लिए आ रहे हैं उनको पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया हो सकता है कि उनकी रडार में कैच हो गया वो ड्रोन क्योंकि लास्ट टाइम तो कैच नहीं हुआ था हो सकता है कि किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी हो ओके भाई गोलियाँ पड़ रही हैं यहाँ पे हमें कोई दिख भी नहीं रहा ओके गाइस तो ये पूरा अनकंट्रोल हो रहा है ड्रोन पढ़ने वाला है ओके गाइस अभी प्रॉब्लम हो गई है हमें टैंक के लिए को मदद करने के लिए बुलाना पड़ेगा आई थिंक ओके ओके गाइस तो हो सकता है कि इन्होंने कोई ऐसी लड़ाई कर दी हो जिससे कि हमारा जो ड्रोन था वो अनकंट्रोल हो गया ओके यहाँ पे सारे तरफ बंदे ही बंदे हैं भाई जो भी आएगा सबको आज भाई साहब फिर गाइस तो यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं ऐसा पिछली बार हम आए थे तो इससे भी ज़्यादा बंदे थे लेकिन पता नहीं ये हमें 3 स्टार की प्लस क्यों लग गई है गाइस हो सकता है कि ये लोग कोई टेररिस्ट ना हो ये किसी गैंग के बंदे का कोई हो सकता है प्लान पूरा पूरा गेम खत्म करने के लिए तो अभी एक गाइस एक काम करते हैं हम पहले फैंकिंग को फ़ोन कर लेते हैं और उसे बोल देते हैं कि वो यहाँ पे आ जाए क्योंकि प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई है तो हम पहले फैंकिंग को फ़ोन कर देते हैं उनकी गाइस फ्रैंकलिन से हमने इशारा कर दिया है फ्रैंकलिन भी थोड़ी देर में आता ही होगा पहले हम इन लोगों को खत्म कर लेते हैं अपने आप मस्ती में खड़ा हुआ है इन लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो टेररिस्ट नहीं है लेकिन हमें लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये लोग हमें पहचान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी तो ऊपर जाने के लिए हमें रास्ता देखना पड़ेगा और पहले रिलोडिंग करना पड़ेगा क्योंकि भाई सब पैसा तो देख ही पा रहे होंगे तो हमें ये सब पैसा चाहिए इसीलिए हम ऐसा लड़ाई कर रहे हैं नहीं तो हमें कोई भी कुछ पढ़ा नहीं था कि टेप के लिए हम कुछ भी कर सकते रहे आगे जाना पड़ेगा ओके तो गोली लग ही नहीं पा रही है अभी बहुत प्रॉब्लम हो गई है पता
पता नहीं भाई फ्रैंकलिन कहाँ पर रह गए, हमने उसे कॉल तो कर दिया है लेकिन भाई फ्रैंकलिन पता नहीं कहाँ पे है, हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो कोई हम इधर से एंट्री कर सकते हैं ना? ओके तो इन लोगों को हमें गाइस मानना पड़ेगा कि ये उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अब ये टेररिस्ट है। पता नहीं माइकल कितनी देर में अकेले लड़ पाएगा क्योंकि तो ये बंदे हैं बहुत ही ज़्यादा है, तो हमें नेट से ही काम चलाना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा माइकल को पहले ही खून निकल चुका है, तो जो अटैक है हमें बड़ी सोच समझ से करना पड़ेगा। कितने बंदे बचे हुए हैं भाई, पता नहीं फ्रैंकलिन कितनी देर में आएगा। हमने गलती कर दी तो हम फ्रैंकलिन को अपने साथ ही लेके आते थे, हमें पता होता ये होगा और ड्रोन हमारा काम नहीं करेगा। तो शुक्र मनाओ कि गाइस हमने अपने एक बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें काम दे रही है इस टाइम पे। तो अभी हमें नेट फेंक के ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि तो एक नेट हमारे साथ हमारे पास ही गिरा आके। ओके गाइस हो सकता है कि फ्रैंकलिन आ गया हो तो इसीलिए गोलियाँ चल रही हैं, तो फ्रैंकलिन भी शायद आए थे, नहीं आया है भाई। किससे सूट कर किस पर है पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं चला कि कब इन लोगों को ख़त्म कर दिया, लेकिन जो ऊपर बंदे हैं गाइस वो बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से इन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि जो पुलिस भी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है हमें ढूंढते ढूंढते। हो सकता है कि इन लोगों की एक साथ ही पुलिस हो, वैसे पुलिस ने तो अभी हम तक शूटिंग नहीं की है एक भी बार। ओके गाइस ना ये पुलिस हमारे साइड है ना ही इन लोग के साइड है, ये सिर्फ जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं उसके लिए आई हुई है और जो हम फाइट कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं इसीलिए रोकने के लिए आई है, तो इसीलिए इन लोगों ने इसका भी हेलीकॉप्टर जो है वो ब्लास्ट कर दिया है। ओके भाई आराम से, तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि कितने बड़े बड़े गाइस यहाँ पे हथियार रखे हुए हैं और यहाँ पे गाइस ये खड़े हुए हैं, यानी क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। ओके
ओके गाइस, तो हम लोगों को पुलिस पूरी पूरी ख़त्म करनी पड़ेगी और फिर यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। बिल्कुल सही सलामत। ये भाई बंदा पता नहीं कहाँ खड़ा है और इसको पता ही नहीं है कि इसके सारे के सारे बंदे मर चुके हैं। तो अभी हमें चेकआउट करना पड़ेगा कितने बंदे बचे हुए हैं। और भी शायद बंदे बचे हुए हैं यहाँ पे। भाई कोई तो गोलियां मार रहा है हमें। तो गाइस हो सकता है कि जो ऊपर वाली टॉप है जो फ्लोर है उस पर थोड़ा सा बहुत टेरिस बचे हुए हो ताकि हम चेक कर लेते हैं। नहीं गाइस, एक प्रॉब्लम भी है कि पुलिस भी यहाँ पे आ चुकी है और बहुत जल्दी हमारा शायद अरेस्ट वारंट भी निकल जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं जाके। एक पता नहीं टैंकर भी यहाँ पे कहाँ पे रह गए। जो सारा का सारा चीज़ है वो सिर्फ माइकल को ही करनी पड़ रही है। ये थे वो बंदे। ये तो पता नहीं भाई, सारे के सारे ऑलमोस्ट तो खत्म हो चुके हैं। तो पता नहीं फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो सामने आई थिंक आइसलैंड पे जो टापू है। ओके, तो यहाँ से उन लोगों को पता चल चुका था कि हम आ रहे हैं और अच्छे बंदे यहाँ पे आराम से बैठे बैठे हुए। ओके गाइस, तो अभी हमें पूरा पैसा देख के निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो पता नहीं फ्रैंकली यहाँ पे कहाँ रह गए। पता नहीं कोई फ्रैंकली पता नहीं कोई मुसीबत में ना हो, तो इसलिए हमें अकेले ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी का काम जो है टेप देख लेगा उसे क्या करना है और क्या पुलिस वालों से बोलना पड़ेगा। और जो पैसा है हम यहाँ से लेके निकल लेंगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं, अपने पैसे को लेके चलते हैं उस प्लेन में जो कि यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके गाइस, तो हमने सारा का सारा पैसा रख लिया है अपने कार्गो प्लेन में और जल्दी जल्दी चलते हैं इस पर बैठ के, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे और भी टेररिस्ट आ रहे हो और फ्रैंकल का कुछ पता भी नहीं है गाइस, पता नहीं कहाँ पे रह गए। तो हमें अकेले जाना पड़ेगा इस प्लेन को उड़ाते हुए। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर चुका है और सिर्फ हमें अभी उतारना कहाँ पे है, पहले हम बाहर कर लेते हैं। तो हमें गाइस उतारना है वो इस एयरलाइन में उतारना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा गैरेज है वो इसी एयरलाइन पे है जो कि ये एयरलाइन है। तो हम यहाँ पे उतारेंगे अपना प्लेन को। तो जो हमारी मेन लाइन है वो ये है। ओके गाइस, तो अभी हमें लैंड करा लिया है अपना कार्गो प्लेन। तो अभी इसको हम खड़ा कर देते हैं अपने हैंगर में, जो कि शायद आई थिंक ये राइट वाला ही हमारा हैंगर है। ओके गाइस, तो हमने फाइनली अपना जो कार्गो प्लेन है वो अपने हैंगर पे खड़ा कर दिया है। और पता नहीं ये भाई साहब किसका प्लेन है जो हमारे हैंगर में खड़ा हुआ है। हम इसको पूरा का पूरा ब्लास्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है और ना ही ये हमारा प्लेन है। Yo, what the fuck?
भाई पता नहीं किस किस के यहाँ पे प्लेन खड़े हुए हैं और पता नहीं यहाँ पे किस किस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ऐसी गाड़ियाँ तो बहुत ही दिखने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी गाड़ियाँ नहीं हैं तो हम इसको एक्सपोज कर देंगे। ये गाड़ी हमारी किसी काम की भी नहीं है, पता नहीं हमारा एंगल में पता नहीं भाई कौन खड़े कर, लेकिन इसको नहीं मालूम कि माइकल कौन है। ओके गाइस, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि हमने ओके गाइस, तो हम लोगों ने कार को प्लेन से निकाल लिया, अपना बहुत सारा सोना और बहुत सारा पैसा। तो आप लोग देख ही पा रहे हो कितना सारा सोना और कितना सारा पैसा है भाई। तो इसीलिए अब होगा क्या कि जो हमारा पैसा और गोल्ड है वो हम इन्वेस्ट करेंगे किसी शोरूम में और या फिर हम किसी गाड़ियों वगैरह में। जो ब्लैक मनी है वो सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे अपने बिजनेस से। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इस पैसे के कारण जो माइकल है अब रिच हो जाएगा लॉस एंटोन्स में। तो इसीलिए अब इस पैसे को हम यहीं छोड़ देंगे और जो बाकी का हमारा न्यू शोरूम खुलेगा जिस पे हम पहले आप लोगों से बात कर चुके थे, तो वो ओपन होगा तो वहाँ पे हम इसको रखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें।